असलम सत श मैं 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 मरमीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाज़ी जिस तरह मैंने पहले वीलोक में जिक्र किया था कि बड़ा मुश्किल वक्त सहाफ़ियों पर पाकिस्तान में आ चुका है और यहाँ पर आप मुकदर हल्क़ें तो छोड़ें वडेरे और जागीरदारों के बारे में बात करेंगे तो फिर आपका जीना यहाँ पर हराम होगा और आपको जिस तरह मैंने पहले विलोक में कहा था कि मुझे ऑफ एयर कर दिया जाएगा और फिर मुझे नौकरी से निकाल दिया गया निकालने का की वजह क्या थी आज उस पर भी डिस्कशन करेंगे कौन से ऐसे लोग आए कितना दबाव मुझ पर था तीन चार रातों से मैं सोया क्यों नहीं और ज़मीन तंग करने की जो बातें हो रही हैं तो आप मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँ जैसे कि आप जानते हैं कि तकरीबन पाकिस्तान की जो सहाफत है यानी मेरा जो साफी जोफी कर वो कब तकरीबन छः साढ़े छः साल की मैयत यानी आप ये कह सकते हैं कि मैं छः छः साल मैंने साढ़े छः साल काम किया मैंने मुख्तु अखबारों में लिखा मैंने रिपोर्टिंग की मैंने मुख्तलि प्लेटफार्म पर मॉर्निंग शोज़ के अलावा करंट अफेयर्स के शो किए पब्लिक टी वी जो एक चैनल था जिसने मुझे पहचान दी मुझे आम से ख़ास बनाया और मैं शुक्रगुजार हूँ वहाँ की इंतज़ामिया के उन्होंने पाँच साल मुझे अपने पास रखा लेकिन मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एक साफ़ी जो होता है मेरे पास कोई जायदाद नहीं है मेरे पास कोई इतनी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है मैं सिर्फ तनख्वाह लेता हूँ उस पर अपना गुजर बसर करता हूँ तो ऐसे में जब साफ़ी सुबह जाता है शो करता है और अचानक उसको कहा जाता है कि भाई आपको निकाल दिया गया है आप अभी आपके लिए दरवाजे बंद हैं तो फिर आप बताएं ना कि आपने पूरा सिस्टम महीने का जो सोचा होता है कि इस महीने के सिस्टम को मैं कैसे गुजारूं तो बड़ा मुश्किल होता है सर्वाइव करना तो मेरे लिए सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और मुझे बड़े अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इस मुल्क के लिए इस रियासत के लिए मैंने हमेशा मुझे बड़ी बड़ी ऑफ़र आई बड़े बड़े चैनल से ऑफ़र आई बैर दुनिया से ऑफ़र आई पर मेरी ख्वाहिश ये थी कि मैं अपने मुल्क के लिए काम करूँ मैं अपने वतन के लिए काम करूँ मैं पाकिस्तान के लिए काम करूँ पाकिस्तान का मिसबत चेहरा पूरी दुनिया में दिखा सकूँ पर मुझे नहीं मालूम था कि ये रियासत जो है ये इलीट क्लास का क्लब है और यहाँ पर जब आप मेंबर बन जाते हैं तब आपके साथ फिर क्या अशर होने वाला है किस हशर के साथ आपका जो है अहतमाम होगा वो मुझे नहीं मालूम था मैं भूल गया था कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे मैं एक चैनल में हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था और अभी जिस तरह आप देख रहे हैं मसला क्या हुआ था मैंने एक ट्वीट की थी एक सहाफ़ी जो है वो जब ट्वीट करता है या कोई ख़बर लीक करता है तो उसके हवाले से वो तहकीकात करता है और तहकीकात के बाद वो ख़बर जो है वो अपलोड करता है टेलीविजन की स्क्रीन पर लेकिन चूँकि ये खबर मुख्तलिफ सिंधी चैनल्स पर चल चुकी थी चैनल जो वेब चैनल है, मुख्तलिफ ट्विटर्स पर मुख्तलिफ सोशल मीडिया के ग्रुप्स पर तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ये ट्वीट डाले और ट्वीट इतनी वायरल हो गई कि वह सतानवे अरब रुपये का जो मामला था शाह अमरीका तो उसमें बड़े बड़े मकतदर हलकों के जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उन लोगों ने भी सारा कुछ किया था और उसमें बहुत सारे साफियों ने यह काम किया था लेकिन मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मुझे दस अरब रुपए का हर जाने का नोटिस मिलता है और उसके बाद फिर मैंने बारह बजे ये मैंने तो ट्वीट आधा घंटे बाद डिलीट कर दी थी यानी जिस टाइम मैंने ट्वीट की थी एक सहाफ़ी एक जिम्मेदार सहाफी का काम यही है कि जब आपको पता चले कि यह खबर झूठी है ठीक नहीं है तो उसको डिलीट माफी मांग के माफ़ी मांग लें मैंने मैंने डिलीट कर दी मैंने माफ़ी मांग ली अब आप मुझे यह बताएं कि जिस तरह मुझ पर पीपल्स पार्टी दबाव डाल रही है और बहुत सारे चैनल्स जिस तरह मुझे कॉल आ रही है कि आप किसी चैनल में आपके लिए दरवाजे जो है सब चैनल के दरवाजे आपके लिए बंद है तो आप मुझे बताएं कि मेरा जो क्योंकि जिस नारे का भट्टू ने इस सियासत का आगाज किया था वो था रोटी कपड़ा मकान अब उसकी पार्टी जो अब आप देखें कि वो बन गई है वडेरा जागीरदारों के अंडर आ गई है आम आदमी की पार्टी खास लोगों के अंडर आ गई इसलिए तो फिर सिंध में महदूद हो गई ना सिन में ही महदूद हो गई है वहाँ पर जिस तरह वो इलेक्शन जीते हैं वो आप सबको पता है तो उसकी वजह यह है कि जो फेरोनीत है ये जो गरूर है ये जिस तरह आप करते हैं और जिस दूसरे लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं कि यही वजह है कि पार्टी फिर आम आदमी की पार्टी नहीं होती है पार्टी फिर जाके ख़ास आदमी की होती है और ख़ास आदमी पे बिर खास आदमी भी खास नहीं रहता जब अवाम का साथ ना हो तो मेरे साथ यही कुछ हुआ और जिस तरह इस मुल्क में हालात हैं आप सबको पता है कि सिख जो है यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ से मुँह कर रहे हैं मेरी ख्वाहिश थी मैं अपने मुल्क के लिए सर्व करूँ मैं पूरी दुनिया को पाकिस्तान का मजबत चेहरा दिखा सकूँ मैं बता सकूँ कि पाकिस्तान कितना खूबसूरत है और सिर्फ यहाँ पर इसके हवाले से पूरी दुनिया में जिस तरह प्रोपीगंडे होते हैं मैं इस प्रोपीगंडे के, के ख़िलाफ़ इसको ब्रेक करूँ और मैं बता सकूँ कि नहीं पाकिस्तान सबका है पर मैं गलत फहमी में था और मुझे आवाम के अलावा मुझे कोई सपोर्ट कहीं से नहीं मिली और मैं सहावती तनज़ीमों का भी शुक्र गुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे जो है मुझे सपोर्ट किया आप जैसे दोस्तों ने सपोर्ट किया और अब हालात ये हैं कि मुख्तलिफ़ तरीके से मुख्तलिफ मुख्तलिफ़र्स से क्योंकि जो लेटर मुझे मिला मैंने रिज़ाइन दे दिया बाद में मुझे पता चले कि कुछ चार गुंडे जो हैं यानी बॉडी बिल्डर टाइप लोग आए उन्होंने बाकायदा लेटर लेके आए मेरे ऑफिस और उनको कहा एच आर को कि एज एट इज़ जो हमने लिखा है वही चीज़ पे हरमीत सिंह से साइन कराओ नहीं कराओगे तो आपको खमियाज़ा भुगतना पड़ेगा और पब्लिक न्यूज़ के मुझे माजर के साथ कहना पड़ रहा है कि इंतज़ामिया के इतना अंदर वो होना चाहिए ना लड़ना चाहिए अपने वर्कर के लिए बोलना चाहिए जिगरा होना चाहिए कि ये शख्स हमारा है ग़लती हो गई हम इसको नोटिस कर देते हैं पर पब्लिक न्यूज़ के इंतज़ामिया में इतना ज़्यादा वो नहीं था कि वो डटे रहे मेरे लिए इस पाँच सालों में मैंने इनके साथ काम किया इस चैनल की तरक्की में अगर मैं समझूँ कि हमारा भी हमारी जो मेहनत है वो भी शामिल है कभी दौड़ धूप कभी गर्मी कभी सर्दी हम माइक उठा के फिरते रहे स्टोरियाँ लेके आते रहे लेकिन एक चैनल सिर्फ से पाँच सेकंड का यानी पाँच सालों का करियर का यानी मेरी मेहनत का मुझे सिला से ला से पाँच सेकेंड में देता है और एक कॉल पे एक वडेरे के कॉल पे जब मैंने माजत मांग ली मैंने पब्लिक टीवी का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल नहीं किया मैंने पब्लिक न्यूज़ पर टिकर नहीं चलाए उसके बावजूद मैंने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया उस पर मुझे जाके टेलीविज़न ने निकाल दिया तो आप अंदाजा लगा सकते हैं मैं पाकिस्तान का वायद सिख एंकर न्यूज़ एंकर हूँ इस वक्त मैं पाकिस्तान का वायद साफ़ी हूँ सिख साफ़ी जो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म में काम करता था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आने वाले दिनों में शायद आप मुझे टेलीविज़न की स्क्रीन पर देखेंगे क्योंकि जिस तरह धमकियाँ दी जा रही हैं जिस तरह बातें की जा रही कि इस पर ज़मीन तंग कर देंगे आ, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि मेरे साथ अब क्या हो, होने वाला है या होने वाला होगा ये तो अलाई जानता है लेकिन ये आप सब का अकीदा है दोस्तों के रिजक का वादा लाने की है और जब तक मैं ज़िंदा हूँ मेरा रिजक इस दुनिया में है कोई वडेरा कोई जागीरदार कोई ताकतवर जो है मेरा रिजक मुझसे नहीं छीन सकता है वो वादा रब ने किया ये मेरा भी ईमान है आप तमाम तर दोस्तों का भी ईमान है सो मुझ पर ज़मीन तंग करने की बातें हो रही हैं लेकिन ये वतन हम सब का है आ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली रियासत में आ, जो ताकतवर लोग हैं उनका ज़्यादा हक़ हाँ बनता है हमारे जैसे मुल्क के वफादार आ, को ग्दार बना दिया जाता है हमारे जैसे लोगों पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं लेकिन बहुत सारे साफ़ियों को मैं देख रहा हूँ जो जो बड़े बड़े आ, मेरे खिलाफ तनकीद भी कर रहे हैं तो मैं हैरान उन, उन पर हूँ कि जिन्होंने के हवाले हाँ से बातें की थी कि ये बिल्कुल ग़लत बात है झूठ बात है मुख्तर हलकों ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बड़े बड़े लोगों ने कहा था वज़ी अजम ने कहा था लेकिन उस साइफर केस में इमरान खान को इन्होंने अंदर डाला हुआ है इसी तरह मरियम नवाज साहेब के हवाले से नवाज शरीफ साहब के हवाले से दीगर लोगों के हवाले से क्या क्या झूठी खबरें नहीं चल रही है तो क्या उस चैनल ने माफी मांगी है जवाब होगा नहीं क्या इन जो सहाफी तीसमार खान बन रहे हैं क्या उन्होंने माफी मांगी है बिल्कुल नहीं मांगी है मैं तो माफी मांग रहा हूं मैं एक जिम्मेदार साफी होने के नाते मैं माफी मांग रहा हूं कि अगर दिल आज़ारी पीटिया पीपल्स पार्टी की हुई है श्री ये शाहजिया मरी साहिबा की मोहतरमा शाह मरी साहबा की हुई है तो मैं तो माजत चाहता हूँ अब मुझे बताएं कि मैं अपना सर काट के प्लेट में दे दूँ पीपल्स पार्टी वालों को कि हाँ अब मैंने सर काट ली है आप मुझे माफ़ कर दें तो ऐसा तो नहीं होता है ना सो so, दोस्तों ये इस वक्त की सिचुएशन है कि मुझे टेलीविजन के स्क्रीन से हटा दिया गया है चार पाँच साल की जो मेरी मैंने उस इदारे को दिए उस इदारे ने पाँच सेकंड नहीं लगाए अब मेरे पास और कोई रोज़गार नहीं है मैं कोई जागीरदार वडेरे का बेटा नहीं हूँ कोई सरमादार का बेटा नहीं हूँ आम आदमी हूँ मिडल क्लासियाँ हूँ जिसके पास कुछ नहीं है बस आप जैसे दोस्तों की मोहब्बत के अलावा और आप जो लोगों ने जो मुझे इज़्ज़त दी है उसके अलावा तो मैं मिडिल क्लासिया आप सब से मुखातिब इसलिए हूँ आज कि आपसे मेरी गुजारिश है कि यह मुल्क वडेरों जागीरदारों के कब्ज़े में है और मेरे जैसे आम आदमी पर ज़मीन तो वैसे तंग कर दी गई ज़रिया माश मेरा मुझसे छीन लिया गया है Uh, मेरा चूल्हा जिसका नारा भुट्टो साहब ने लगाया था रोटी कपड़ा मकान तो मेरा चूल्हा मुझे मेरा चूल्हा बुझा दिया है पीपल्स पार्टी ने अब मेरी आप सबसे गुजारिश ये है कि जितना आप मुझे सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर सकते हैं मुझे uh, सपोर्ट करके मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कर सकते हैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी uh, जो डॉक्यूमेंट्स के साथ होगी इन इस बार डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आऊँगा तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगा पाकिस्तान में बहुत सारी चीज़ें जिस पर मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया पर बात नहीं तो मैंने हमेशा बात की है और इन आप लोगों के साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगा जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है उससे भी गुजारिश है कि इस वक्त आप सबका सपोर्ट करने का टाइम है तो मुझे सपोर्ट करें अपनों और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें बहुत शुक्रिया